अब देखो अपने sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर आंसर निकाल रहे अपने एक प्लस साइन थीटा, सॉरी एक माइनस साइन थीटा और एक प्लस है साइन थीटा। सबसे पहले देखो अपने sec थीटा का मान रख लेते हैं। अपने sec थीटा का मान होता है एक बटा cos थीटा, क्या होता है एक बटा cos थीटा, फिर क्या है माइनस क्या है टेन थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटे बटे कोस थीटा, इस पे होल स्क्वायर कर लो अपने, कर लिया होल स्क्वायर था ना अपने होल स्क्वायर कर दिया। अब नीचे वाले का लघुत्तम निकालेंगे अपने, इसका लघुत्तम आ गया कोस थीटा, कोस थीटा एकम कोस थीटा एक एकम एक, कोस थीटा एकम कोस थीटा और एक को साइन थीटा से करेंगे साइन थीटा, इस पे भी होल स्क्वायर लगा हुआ है होल स्क्वायर लगाओ, लगा दिया। अब देखिए अपने दोनों का होल स्क्वायर अलग अलग कर देता हूं मैं, इसका अलग से कर दूं एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। नीचे देखो कोस थीटा है तो इसका मैं अलग से स्क्वायर कर दूं कोस कोस स्क्वायर थीटा, हो गया है वग नहीं हुआ। अब देखिए ये ऊपर एक माइनस साइन थीटा, इसका मतलब एक माइनस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा दो बार गुणा है, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो दो बार ए माइनस बी इंटू ए माइनस है बी लिखते हैं ना है? लेकिन अपने को इसका एक रह गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक माइनस साइन सॉरी कोस स्क्वायर थीटा माना ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मान रखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रख दिया है रख दूं मैं। ऊपर वाला देखो एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ गया एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर है थीटा, ठीक है। ऊपर वाले को मैं दो बार लिख देता हूं, देखो एक माइनस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा इंटू में आएगा ना, दो एक जैसे हैं स्क्वायर हो गया। अब देखो ये होता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यानी एक पे स्क्वायर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गुणनखंड इसमें आ गया तो इसमें क्या करते हैं ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर और एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको माइनस में लिखते हैं। इसी प्रकार नीचे वाले को मैं दो बार लिख देता हूं एक माइनस साइन थीटा और एक माइनस साइन सॉरी एक प्लस साइन थीटा, यानी एक बार प्लस में एक बार है माइनस लिख दिया। इससे ये काट दूं क्या बच गया एक माइनस साइन थीटा और एक प्लस साइन थीटा। अब देखो ये उत्तर आया कि नहीं आया, देखो बराबर में आ गया ना, क्या लिखो मैं एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम, ठीक है।